आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी न्यूज जिसे देखकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। पहले आपको बता दें कि मौनी रॉय को एयरपोर्ट से वापस जाना पड़ा। मौनी पहुंची एयरपोर्ट और वहां पर जब एंट्री गेट पर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इसके पीछे का रीजन था मौनी का अपने साथ पासपोर्ट नहीं लाना, जिसकी वजह से मौनी वापस अपनी गाड़ी में चली गई और एयरपोर्ट से वापस उन्हें घर जाना पड़ा। हेलो मैम, वेट यहाँ देखिए, आराम से आराम से। और एक बार पीछे देखिए मैम, मोनी जी भाई, मेरा काम तो पता ना, पता है छोटा भाई को बोला अभी पता था कैमरा पा मैनेजर अभी तक बुला नहीं ओपन बंद कर देते। काम कर रहे जूम कर देते सारे प्रणाम भी कर सर जूम कर। अच्छा हो गया, अरे बाप रे, अरे चलिए चलिए आराम से, कोई नहीं, थैंक यू। चला हो गया, देखा ये हो गया। मौनी के बाद हम आपको मिलवाते हैं उर्फी जावेद से, जो एक नए अंदाज में आ चुके हैं मीडिया के सामने और हमेशा की तरह पैप से कर रही हैं ढेर सारी बातें। उर्फी जी यहाँ पे परेशान मत करना तुम लोग, नहीं नहीं अजय परेशान करता है, अजय करते हैं अजय, अजय एक ही साइड का है ना, अरे रास्ता है ऐसा होगा। वेल, अगर आपको याद होगा तो उर्फी जावेद ने एक बार गार्बेज बैग से अपनी एक ड्रेस बनाई थी और जिसके लिए काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। अब ये बात आप भले भूल गए हों, लेकिन उर्फी की फ्रेंड राखी सावंत ये बात नहीं भूली हैं। हाल ही में राखी सावंत स्पॉट की गई मुंबई में और वहां वो कुछ बच्चों के साथ बैठी थी जिनके हाथ में गार्बेज बैग थे और राखी सावंत ने कहा, ये गार्बेज बैग का मैं क्या करूं, उर्फी को दे दूं, उर्फी ही तो इसके कपड़े पहनती है। कंटिन्यू मैं ले लेता हूं 100 रुपए का चेक है सर, मेरा मार्केट में 50 रुपए का, और इतनी थैलियों का करूंगी क्या, उर्फी को दे दूं,
पहले उर्फी को भले ना याद हो, लेकिन राखी को अच्छी तरह से याद है उर्फी की स्ट्राइडिंग। और राखी अब उर्फी को ये गिफ्ट भी देना चाहती है। ये सब उर्फी के लिए ले लूं, वही पहन लेगी, कुछ तो करेगी। सो क्या कहना है आपको इन स्टोरीज पर, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि राखी उर्फी को ये गार्बेज बैग देंगी, और उर्फी राखी से ये गिफ्ट लेकर क्या कहेंगी?